अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। सुजलोन एनर्जी को लेकर बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी, ये बात भी ध्यान रखना। इसी के साथ टेक्निकल बेसिस पे भी इसके अंदर एक न्यूज़ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कंपनीज के अंदर न्यूज़ तो आती है, बट उस न्यूज़ की बदौलत हम कैसे पैसा बनाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप इस न्यूज़ की बदौलत कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर आप लोगों का सुजलोन एनर्जी में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज भैया आप किसी और स्टॉक में इंटरेस्टेड है कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी बना दूंगा कि कैसे पैसा बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो यार, न्यूज़ तो पॉजिटिव है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम ना इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि उस न्यूज़ को देखने के बाद आप खुद भी डिसीजन ले सको कि भैया मैं डिसीजन लूंगा या फिर मैं सेलिंग करके निकल जाऊंगा। तो सबसे पहले फंडामेंटली आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है, यानी कि कंपनी काम कर रही है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, कहीं ना कहीं कंपनी नुकसान में थी, लेकिन अब कुछ टाइम से प्रॉफिट में आ चुकी है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। अब ध्यान रखना, रेवेन्यू अच्छा खासा है लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट बड़ा कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने तकरीबन अपना जो कर्जा है वो खत्म कर दिया है और ना के बराबर अब इनके ऊपर कर्जा आ चुका है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इस स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म में ये देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है क्योंकि कंपनी ने सारा कर्जा अप्रॉक्स आप कह सकते हो खत्म कर दिया है। 0.03% के करीब अब कर्जा जो है वो बचा है रेशो में, ध्यान रखना। इसी के साथ कंपनी के अगर कैश फ्लो की बात करें, पॉजिटिव में चल रहा है काफ़ी टाइम से, पिछले 4 सालों से आप कह सकते हो पॉजिटिव में है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि ओके है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें प्रमोटर के डेटा की, तो यहाँ पे प्रमोटर की बड़ी होल्डिंग तो नहीं है, लेकिन जितनी भी होल्डिंग है वो अब प्लेज से बाहर आ चुकी है। गिरवी रखे थे शेयर, लेकिन अब ये गिरवी अपने शेयर छुड़वा चुके हैं, तो यानी कि कंपनी अच्छा खासा आगे काम करने वाली है, तभी तो उन्होंने शेयर्स को छुड़वाया है। बात करें FIs की, तो यहाँ पे बड़ा पैसा लेकर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं 7% के करीब होती थी इनकी होल्डिंग, अब 19% करीब पहुँच चुकी है, बहुत बड़ा पैसा निवेश कर चुके हैं इसके अंदर। DIs की बात करें तो ये डामाडोल देखने को मिल रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर आप ये कह सकते हो भैया एवरेज ही है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, थोड़ी थोड़ी इन्होंने भी बाइंग जो है वो दिखाई है। म्यूचुअल फंड, 6 म्यूचुअल फंड इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 0.53% के करीब होल्डिंग इन्होंने भी इंक्रीज की है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो डूबने के चांसेस अब थोड़े कम हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े निवेशक भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा कर सकती है। हालांकि प्राइस काफ़ी भाग चुका है, लेकिन यहां से भी इतना इंटरेस्ट दिखाना इसका मतलब यही है कि भैया आने वाले समय में कुछ और भी बड़ा होने वाला है। बात करें यहां पर पब्लिक की, तो भैया पब्लिक आपको पता ही है जब चलने का टाइम आता है प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देती है। तो देख सकते हो पब्लिक यहां पर माल बेच के निकल रही है, इसका मतलब यह है कि पब्लिक से माल छीन कर बड़े प्लेयर्स के हाथों में दिया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, बाकी जो चीज़ें देखी हैं बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो कंपनी की कहीं ना कहीं रिजर्व एंड सरप्लस पहले नेगेटिव में हुआ करता था, अब यहाँ पर देखिए प्लस में आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल 49 करोड़ के करीब रह गई है, इससे अच्छा खासा तो रिजर्व भी इनके पास है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरिंग 60 करोड़ की है, तो आप कह सकते हो भैया 110 करोड़ के करीब अब कर्जा रह गया है, कोई बड़ा कर्जा नहीं है, आराम से चुका सकती है। हाँ, 1795 करोड़ इन्होंने कहीं ना कहीं आगे देने हैं जो कि बिजनेस ले चुके हैं और आगे पेमेंट करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ की है, इन्वेंट्री देखिए 2292 करोड़ की है, 1829 करोड़ इनके पास भी आने वाले हैं, यानी कि इन्होंने भी आगे बिजनेस किया है और इनको अभी पैसा नहीं मिला है, वो पैसा आएगा। कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 426 करोड़ का है, अदर करंट एसेट 730 करोड़ की हैं। बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी कैश रिच कहीं ना कहीं बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बेटिंग जो है वो लगाई जाएगी, यानी कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा काम करने की पूरी कोशिश कर रही है और अच्छी बैलेंस शीट अपनी बुक्स को यहाँ पर बनाने की कोशिश की है और वो इसने कर दिया है ये दिखाकर अपने कर्जे को ख़त्म करके। तो ध्यान रखिए फंडामेंटली अभी तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी अच्छा खासा कर रही है।
अब न्यूज क्या है, अब मैं आपको न्यूज के ऊपर लाना चाहूंगा सबसे पहले, और उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। और टेक्निकल एनालिसिस में आप सबके लिए मैं एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि आज तक मैं जितने भी एनालिसिस करता था वो आप तक नहीं पहुंच पाते थे, बट अब से आपके पास पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? आप लाइव देख सकते हो कि ये जो ड्राइंग ड्रॉ की है इसके अंदर प्राइस चलता हुआ आपको मिल जाएगा। आपको खुद कोई इमेज सेव करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव इमेज आप ले सकते हो। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है samajhaiyakya.in, ध्यान रखना इसके ऊपर आप क्लिक करना या गूगल से आ जाना, तो इसके ऊपर हम जो भी वीडियो डालेंगे अब आपको मिल जाया करेगी। तो यहाँ पे है क्या, देखो ये पेज इस तरह से खुलेगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ना ये क्लिक हेयर का लिंक है, आप यहाँ तो यहाँ क्लिक कर लो, या फिर लाइव चैट अगर देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो मेक इट लाइव पे क्लिक करके। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपके सामने लाइव ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो गया है। तो जो भी मैंने ड्राइंग की है, जो भी अब एनालिसिस करूँगा, वो लाइव आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जो भी कमेंट करोगे मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको ड्राइंग एनालिसिस करके बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आपको लाइव एनालिसिस मेरे मिल जाए करेंगे इस पेज के ऊपर। तो भैया ज़रूर कर देना, यहाँ से प्ले करके आप लाइव देख सकते हो हमारी कि एनालिसिस के अंदर काम हो रहा है कि या फिर नहीं हो रहा। चलो अभी न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर तो न्यूज़ ये है कि सुजलोन एनर्जी की 5122 करोड़ की डील हुई है, ब्लॉक ट्रेड हुआ था ये, काफ़ी मात्रा में शेयर्स को खरीदा गया है तकरीबन, या सेलिंग भी आप कहोगे हो सकती है। तो ये 53.05 रुपये के भाव पे हुआ है, और ध्यान रखो इसके अंदर एक अपर सर्किट भी लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बाइंग की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर भी हम लोग एक दो दिन इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेंगे, हो सकता है मंडे को भी एक अपर सर्किट देखने को मिले। जिस तरह से अभी ये ऊपर की तरफ निकला है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका टारगेट फर्स्ट 83.75 रुपीज़ का है, या फिर इस चैनल पैटर्न के पास है। तो ध्यान रखना, अभी जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, ऊपर की तरफ कम से कम यहाँ हिट करे। अब आप बोलोगे हमें कैसे लाइन पे मिलेगा, तो जो मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू का लिंक दिया है उसके अंदर भी सेम ड्राइंग है, आपको यहाँ पर ये जाता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ इस चैनल पैटर्न, या फिर यहाँ पे फर्स्ट 56। तो ध्यान रखिए आप लोग ज़रूर यहाँ पर अगर बने हुए हैं तो अभी होल्ड कीजिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा पैटर्न हमें मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम 62 रुपीज़ का टारगेट तो आपको देखने को मिलेगा, और अगर ये इसी तरह काम करती है कंपनी तो आने वाले समय में उसके बाद 110 का टारगेट है, उसके बाद 201 का है, एंड उसके बाद आपको 241 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ आराम से दिखेगा, 275, 276। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से बना दिया, 83 रुपीज़, 139, 180, एंड उसके बाद 241, एंड उसके बाद 276। तो ये पूरे चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, लेवल्स बना दिए हैं, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ध्यान रखो इसके अंदर एक चैनल, एक पहले भी जो ट्रेंड टूटा था अगर आप उसको मार्क करते हो तो ध्यान रखना, उसके हिसाब से जिस तरह से इसकी रफ्तार निकली हुई है, हो सकता है ये उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ भी एक ऊपर की तरफ फास्ट मोमेंटम जो है वो आपको देखने को मिले, और जिसमें आपको एक अच्छा खासा इसमें जो एक आप कह सकते हो कि फास्ट मूव जो है वो देखने को मिले। जस्ट वेट कीजिएगा, यहाँ पे मेरा चार्ट जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिए। चलिए गाइस ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इसका पहले नियर टर्म में ये एक पैटर्न जो था वो ब्रेक हुआ था यहाँ से। तो हो सकता है अभी भैया 83 रुपीज़ के टारगेट आपको बड़ी फास्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हमें क्या इस लेवल पे ले लेना चाहिए? देखिए अभी अपने लेवल से कोई ये दूर नहीं गया है, कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके आसपास ही है। तो आई बिलीव दैट इन फ्यूचर, ध्यान रखना इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक आप लोगों को एक रेंज में मिलता है, कौन सी रेंज में, 45, 40, 35, ये एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। जो लोग स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं या तो 45 का ले लो, या फिर आप इसके पास एवरेज कर लो अगर ऊपर की तरफ ले चुके हो। देखिए स्टॉप लॉस अपने हिसाब से होता है ध्यान रखना, लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट इसमें तब बनता है अगर ये 35 के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू करे, एक दो रेड कैंडल अगर वीकली बेसिस इसके नीचे बने तो वन टाइम एग्जिट कर दीजिए, दोबारा वापस आ जाए 35 तो दोबारा री एंट्री बनती है। तो वन टाइम एग्जिट क्यों करना है? देखिए समटाइम क्या होता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है फंडामेंटली अच्छा होने के बावजूद भी, तो फिर क्या होता है वो बिल्कुल नीचे की जो सपोर्ट होती है वहां से होके वापस आने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पे वन टाइम एग्जिट बनता है, ऊपर आए तो दोबारा एंट्री ले लेनी चाहिए। अभी के हिसाब से नीचे अगर 45, 40, 35 पे मिले तो जरूर इसमें री एंटर जो मिस कर चुके हैं एंट्री वो ले सकते हैं। इस भाव पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, कहूँगा 30-40% अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर लीजिए, लेकिन फुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये अपने हाई के ऊपर प्रॉपर इसने क्लोजिंग जो है
मंथली बेसिस नहीं दी है, तो हमें मंथली बेसिस क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी जो स्टॉप लॉस है अभी वो 45 रुपीज़ का रहेगा, या फिर आप इसके पास एवरेज भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर इस कंपनी में दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिए, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।